आत्मपरिचय एक गीत। इसका पहला प्रश्न है, कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह कह रहा है कि जगत में जो जीवन है वह एक भार के समान है, यानी बोझ के समान है। कहने का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन को जगत में भार माना है। वह कहता है कि इस भार को वह स्वयं वहन करता है, मतलब खुद उठाता है, और वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह भी नहीं है, लेकिन संसार का भी कोई ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या इसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी कि जग की कभी भी मैं परवाह नहीं करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात ज्ञानी लोग जो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अत्यधिक ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, यानी समझदार और नासमझ दोनों प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को सूझबूझ कर करते हैं वो दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इस कविता में कवि ने और शब्द का तीन अर्थों में प्रयोग किया है, तीन अर्थ, जिसमें इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। मैं और में, इसमें और शब्द का अर्थ है मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यानी कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल अलग हूँ। मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ, खुद की विशेषता बताई है उसने। और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत कुछ अलग ही है, यानी जगत मेरे जैसा नहीं है। मैं और जगत और, यानी कि जग और तरह का है, यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह ही कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है, अर्थात मैं और यह संसार दोनों कभी भी मिल नहीं सकते, दोनों का अलग ही अपना महत्व है। प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। उत्तर लिखेंगे, शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, यानी कि मैं बहुत सरलता से सब कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए हैं उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतल वाणी बन जाती है। इसमें कवि ने अत्यधिक संघर्ष किए हैं अपने जीवन में, काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, तो वो कह रहा है कि जो उसने संघर्ष देखे हैं उन सबको वह शब्दों में परिवर्तित कर देता है, वाणी शीतल बन जाती है, यानी उसमें जो शब्द होते हैं वो शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। कवि ने जो दुख उठाए हैं उनके कारण वह मन मन में रोता रहता है, लेकिन जो कविता में भाव जो उतारता है उसमें शीतलता होती है, उसमें कोई भी
दुख के भाव नहीं होते हैं। प्रश्न 5 है, बच्चे की बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, बच्चे से यहाँ आशय चिड़िया के बच्चों से है। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वो दिन भर अपने माता पिता की प्रतीक्षा किया करते हैं, इंतजार किया करते हैं। जैसे ही शाम होती है वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे और वे हमारे लिए खाना लेकर के आएंगे, हमें ढेर सारा चुग्गा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। बच्चे आशावादी हैं, वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब माता पिता आएंगे और चुग्गा देंगे। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा, साथ ही बहुत सारा प्यार दुलार भी मिलेगा। प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की कौन से विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इसमें इसका विशेष अर्थों में यदि हम देखें तो इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, वैसे ही मानव जीवन है। यानी कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसी प्रकार उसका मरण भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसका जीवन अंतिम समय पर आ पहुंचा। यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है, नश्वर यानी नष्ट होने वाली। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को बताया है। चाहे राहगीर हो तो उसे अपनी मंजिल पे जाना है या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। कविता के आसपास इसके प्रश्न है, इसका प्रश्न 1 है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते समाज के हर संबंध का निर्वाह उसे करना पड़ता है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। सुख आता है तो दुख आता है, उसके बाद दुख आता है तो सुख आता है। इन दोनों आधारों पर ही मनुष्य का जीवन चलता रहता है। यानी कि कष्ट सहना प्रत्येक मानव की नियति है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को दुख झेलने पड़ते हैं। जीवन रूपी गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर चलती है। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। व्यक्ति इन दुखों में भी खुशी और मस्ती का जीवन जी सकता है। वह दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, उसे ऐसे समझना चाहिए कि यह तो नियति है। नियति मतलब निश्चित रूप से ये तो होना ही है कि कभी सुख और कभी दुख आएंगे, यही मानव का जीवन है। बिना दुखों के सुख की सच्ची अनुभूति नहीं की जा सकती। यानी कि जब हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि खुशी और दुख में क्या फर्क है, अर्थात दुख ही सुख की कसौटी है। यदि व्यक्ति ऐसा सोच ले तो वह दुख की स्थिति में भी खुश रहेगा और उसका जीवन मस्ती से भरपूर रहेगा। सुख में अधिक सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में अधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए, यही मानव जीवन को व्यवस्थित कर देता है। जो व्यक्ति इन दोनों में सामंजस्य बनाकर चलता है, वह दुख में भी खुशी रहता है।